मैं डॉक्टर नसार साहब अहमद जट साहब के डेरे पे बिल्कुल खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब मेरे पीछे है, आइए इनसे बात करते हैं। जी नाजरीन कराम, हमारे साथ डॉक्टर साहब बिल्कुल मौजूद है, डॉक्टर साहब मुझे मिल गए हैं, तो इनसे बात करते हैं कि आपकी आवाम पुलिस व्लूज से डर तो नहीं रही। जी डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। जो खौफ की फिजा जो है वो तो तारी थी आवाम पर, क्योंकि जो जुल्म और जबर पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, उसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी भी नहीं मिलती। लेकिन अब जब क्योंकि वोट का टाइम आ चुका है, तो पाकिस्तान की आवाम जो ये अहद कर चुकी है कि वो इमरान खान अपने लीडर के साथ है, और वो यकीनन जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रैलियां नहीं करने दी गई, हमें हमारी जो बैनर पोस्टर स्टिकर्स वो फाड़ दिए गए, बहुत कुछ हुआ, उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सब। ये मैंने बात सुनी है कि पोलिंग एजेंटों को उठाया जा रहा है, आपके पोलिंग एजेंट बिल्कुल महफूज है? ये बात है नहीं, ये डराया जा रहा है। पोलिंग एजेंट्स को क्यों उठा लिया जाएगा? अगर उठाना है तो फिर आ जाएं, उठा ले, फिर देख लेंगे इस बात को। अब वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने हल्के के जितने वोटर हैं आप निकाल लेंगे कंप्लीट तौर पर को खौफ का भूत? मेरी बात सुनिए, ये हमारी रूरल पैरिफ्रीज हैं, और हमारे जो गांव होते हैं उनमें हमारे जो वर्कर्स होते हैं, हमारे जो दड़े होते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे अजीज़ों का रवि, ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। इंशाल्लाह ताला जिस मकसद के तहत अवाम पाकिस्तान तरीके साहब को वोट, जो जज्बा है वो आप देखिएगा कैसे निकलते हैं, ये सरप्राइज होगा पाकिस्तान की तारीख का इंशाल्लाह ताला। तो आप कितना वोटिंग का ट्रेंड देख रहे हैं, कितने परसेंट अवाम आप निकालेंगे, और उसके बाद आप उस वोट जो डालेगी आपकी अवाम, आपका वोटर, उसकी जो आपने बेसिक, उसका आपने ध्यान भी रखना है ना। जो वोट तो डाल लिया आपने, डलवा दिया, बेसिक तो मामला तो होंगे ना, वो जो जब जो आपके जहन में शको शुबात है ना, आप उनसे बरी हो जाए, सब कुछ होगा, जीत पीटीआई की होगी। सलाम अलैकुम। जी नाज़रीन सलाम, आपने देखा कि डॉक्टर साहब का आपने बात सुन ली है, डॉक्टर साहब की जो मामला थे उन्होंने बता दिया, तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।